गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, अमीशन ऑफ आर्टिकल्स के अंतर्गत रूल नंबर 8 देखिए क्या कहता है। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स। अब एडजेक्टिव का चैप्टर अगर क्लियर है तो आप डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव जानते होंगे। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स वे एडजेक्टिव्स होते हैं जो प्रत्येक नाउन की तरफ इशारा करते हैं, बताते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स का अर्थ क्या है? विभाग सूचक विशेषण। इस लिस्ट में ईच, आइदर, नाइदर एंड एवरी, देखिए 1 2 3 4 केवल 4 जो है एडजेक्टिव्स होते हैं। अगर इनका किसी वाक्य में आप प्रयोग करते हैं तो सबसे पहली बात तो ये ध्यान देना है कि इनके बाद सिंगुलर नाउन का प्रयोग होता है और उस नाउन के पूर्व किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। अब डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव प्लस नाउन के साथ बने वाक्य में आप सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे यदि इनका प्रयोग सब्जेक्ट के स्थान पर होता है। प्रेडिकेट पार्ट में होता है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, यानी ईच स्टूडेंट करके जैसे कहते हैं कि ईच स्टूडेंट इज ऑनेस्ट, सही है। आर नहीं हो सकता है, तो यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स हम दिए हैं। देखिए यहाँ पर लिखा है ईच अ पेन इज गुड, तो ईच के बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन का प्रयोग हुआ है, आर्टिकल नहीं लेगा, सेंटेंस रॉन्ग है। सही करने के लिए क्या किया? आर्टिकल हटा दिया, ठीक है। ईच पेन इज गुड, देखिए वर्ब जो आपकी सिंगुलर है। इसी तरह से यहाँ पर देखिए आइदर अ रूम वाज, आर्टिकल अ की कोई भी आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। तो आर्टिकल हटाया, क्या हो गया? ईच रूम वाज क्लीन, प्रत्येक कमरा क्या था? साफ था। नाइदर अ वे इज ईजी, ठीक ना, कोई भी तरीका सरल नहीं है। अब यहाँ पर आर्टिकल की कोई आवश्यकता नहीं है, आप क्या करेंगे? हटा देंगे। देखिए मीनिंग वही होगी, क्या? कोई भी तरीका सरल नहीं है या कोई भी मार्ग सरल नहीं है। एवरी स्टूडेंट इज लेबोरियस, प्रत्येक छात्र मेहनती होता है। अब यहाँ पर आर्टिकल की कोई आवश्यकता नहीं है तो क्या करेंगे? आर्टिकल हम हटा देंगे। बस छोटी सी वीडियो थी, ठीक, लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट है। एग्ज़ाम में स्पॉटिंग में इसका बहुत यूज़ होता है। तो बस इस वीडियो में यहीं तक। थैंक यू।